जीवन में ईश्वर अवसर चार तरीके से हमारे आपके जीवन में देता है। हर शब्द बोलता है और दिमाग को खोलता है। अवसर चार अक्षर हैं, आ वा सा रा। अवसर ऐसे अचानक मिलता है और इसीलिए बहुत सारे लोग उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि अवसर एक पॉजिटिव चीज़ है और कोई भी सकारात्मक चीज़ जब होती है तो हमें विश्वास नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आप किसी का गिरा हुआ रुपया पाइए, आप उठा लेंगे, निगेटिव चीज़ है, किसी का गिर गया है। लेकिन कोई लाकर आपको इकट्ठा रुपया देने लग जाए एक बैग में, आप नहीं लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ है। ऐसा आज तक हुआ ही नहीं कोई लाकर रुपया दे। ऐसे अवसर भी जो है जो ज़िंदगी बदल देता है, एक अवसर ज़िंदगी बदल देता है, एक मौका। और इंसान की सबसे बड़ी प्रवृत्ति क्या है, रोज़ भगवान के पास, वाहिगुरु के पास, अल्लाह के पास, जीसस के पास, माता रानी के पास, जिसके पास भी जाता है, मौका मांगता है, अवसर मांगता है। लेकिन जब वो अवसर उसके पास आता है आज से अचानक, तो उसे पहचान नहीं पाता। अब भगवान भी क्या करे, भगवान कोई मेल वोल तो भेजेगा नहीं, पत्र वत्र तो भेजेगा नहीं, आकाशवाणी तो करेगा नहीं कि पुत्र हम तुम्हारे लिए करोड़पति बनने का मौका भेज रहे हैं, ऐसा तो करेगा नहीं। ज़िंदगी के चलते हुए किसी इंसान से मिला देगा, या कहीं फेसबुक पर कोई पोस्ट दे देगा, कुछ भी तरीके से अखबार में कहीं ना कहीं से आपको कोई खबर दे देगा। अब आपके ऊपर है, आप उसे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। तो ज़िंदगी में दोस्तों कई बार अवसर ऐसे आसे अचानक आता है, लोग उसे पहचान नहीं पाते। दूसरा, कई बार अवसर वासे वक्त रहते आता है। जैसे सचिन को क्रिकेट खेलने का अवसर 16 साल में मिला, लता मंगेशकर जी को गाना गाने का अवसर भी इसी उम्र में मिला, बालकाल में, जब उनके पिताजी चले गए और मजबूरी में उन्हें गाना गाना पड़ा, और ये दोनों लोगों ने उस अवसर को भुनाया। सचिन ने 24 साल क्रिकेट खेला, 24 साल में कई बार वो आउट ऑफ फॉर्म गए, 24 साल में कई बार उनके हाथ पैर में फ्रैक्चर हुआ, टीम से निकाले गए, कप्तानी में फेल हुए, सब कुछ हुआ जो एक खिलाड़ी के साथ होता है। लेकिन 24 साल, 16 साल में आए और 40 साल तक एक आदमी को खेलने का मौका मिल पाता है, तो पूरा 24 साल उनके पास था कम बैक करने का, बाउंस बैक करने का, ट्राई करने का, क्राई नहीं करने का, पिकअप करने का, गिवअप नहीं करने का। और ज़िंदगी में कभी भी अगर बहुत आगे जाना है तो कुछ शब्द बता रहा हूँ, कभी भी क्राई मत कीजिए, हमेशा ट्राई कीजिए। कभी भी गिवअप नहीं करना, हमेशा पिकअप करना है। कभी भी पैकअप नहीं करना, हमेशा बैकअप करना है। ये कुछ शब्द हैं, बाउंस बैक करना है, ग्राउंड में रहना है, मैदान में रहना है। सचिन ने यही किया, 24 साल मैदान में भागे, मैदान से नहीं भागे। 24 साल किसी भी खिलाड़ी को मौका मिल जाए वो 100 शतक मार देगा, 24 साल मौका ही तो नहीं मिलता, 24 साल क्रिकेट खेलने का मौका ही तो नहीं मिलता। किसी को मौका मिल रहा है 30 साल में, किसी को 25 साल में, किसी को 35 साल में, क्या करेगा इंसान? उसके साथ जैसे ही प्रोसेस शुरू होगा फॉर्म में आने का, फॉर्म जाने का, वो 40 का हो जाएगा। तो वक्त रहते अवसर मिलना और उस अवसर को पहचान लेना, उसे भुना लेना। अवसर मिलना किस्मत है, लेकिन उसे पहचानना काबिलियत है। जैसे आपके हाथ में हीरा आ जाए, अब आपके पास काबिलियत ही नहीं है तो पत्थर समझ के आप फेंक देंगे, तो इसमें हीरे का क्या दोष है? तो अवसर आसे अचानक भी मिल सकता है, वासे वक्त रहते भी मिल सकता है। और कई बार हमारे ज़िंदगी में अवसर सासे संयोग से आता है, संयोग से, किसी के माध्यम से किसी से मुलाकात हो जाए, जिसको आप नहीं जानते हो,
और उस व्यक्ति के माध्यम से कुछ ऐसी बातें हों वो आपका ऐसा साथ दे कि आप शख्स से शख्सियत बन जाओ। और ऐसा हुआ है जीवन में। अगर आप सफल लोगों की कहानी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कई लोगों के साथ संयोग हुआ, लेकिन उस संयोग को उन्होंने मौके की तरह पहचाना और आगे उनके जीवन में योग हुआ, राजयोग हुआ। जैसे आप देख लीजिए देश के प्रधानमंत्री किसी के माध्यम से कभी ये संघ में आए, माननीय मोदी जी किसी के माध्यम से कभी संघ में आए, फिर संघ में अपना 100% दिया, जो इनको लाया उसने कितना परसेंट दिया है मायने नहीं रखता, इन्होंने अपना 100% दिया, एक आदत बनाई और फिर गुजरात में भाजपा की सरकार बनवाने में अपना 100% दिया। वो एक संयोग था। आप सोचिए कि उस समय इनको कोई संघ में ना लाता, फिर ये अपना 100% ना देते तो आज प्रधानमंत्री कैसे बनते। शुरुआत कहाँ से हुई? संयोग से। ऐसे नेहरू जी हैं, नेहरू जी और गांधी जी का मिलना एक संयोग था, लेकिन उसके बाद दोनों लोगों का चलना एक योग था, एक कर्म था। एक राष्ट्रपिता बन गए, एक पहले प्रधानमंत्री और चाचा बन गए। तो संयोग, आप चेक कीजिए क्या आपके भी जीवन में कोई ऐसे अवसर तो नहीं आ रहा अचानक, वक्त रहते संयोग से, जिसे आप पहचान ही नहीं पा रहे और रोज़ भगवान के पास जाकर कह रहे हैं भगवान मुझे अवसर दो, भगवान मुझे मौका दो। जैसे लोग कहते हैं भगवान देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। अब भगवान कहते हैं भाई तू छप्पड़ तो बना तभी तो मैं कुछ फाड़ूंगा। एक इंसान था वो रोज़ भगवान के पास जाकर कहता था भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो, मेरी लॉटरी लगवा दो। एक दिन भगवान प्रकट हुए, बोले भाई लॉटरी खरीद तो ले, मैं लगवाऊँ क्या, मैं खुद ही लॉटरी खरीदूँ क्या। ऐसे हम भगवान से रोज़ मौका मांगते हैं, रोज़ अवसर मांगते हैं, और भगवान जब देता है तो हम उसे धोखा दे देते हैं, हम उसे धोखा समझ लेते हैं, हम उसे पहचानते ही नहीं हैं। चौथा अक्षर है अवसर का रा। कई बार अवसर रा से राह चलते मिलता है। राह चलते हुए बस में, ट्रेन में, पैदल वॉकिंग करते समय, जैसे मेरे दद्दा जी को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ट्रेन में मिला। सोचिए राह चलते हुए मेरे दद्दा जी को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में जानकारी ट्रेन में मिली। एक फौजी साहब ने जानकारी दिया, दद्दा जी ने उस जानकारी में अवसर देख लिया और उन्होंने जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किया तो भी वो उत्तर प्रदेश के सबसे पहले अचीवर बने, अपने अपलाइन से पहले अचीवर बने और वहाँ भी झंडा गाड़ा। और जब कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि देश को एक सही कंपनी देने की ज़रूरत है, उन लोगों को एक सही अवसर देने की ज़रूरत है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ताकत जानते हैं, लेकिन उनको सही साथ नहीं मिल रहा, सही उत्पाद नहीं मिल रहा, सही प्लान नहीं मिल रहा, सही सिस्टम नहीं मिल रहा, तो दद्दा जी ने उसको भी किया। और आज देखिए ट्रेन में मिला एक अवसर, दद्दा जी को GMBD बिजनेस, GMBD मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड का मालिक बना दिया। ये एक अवसर था जो दद्दा जी राह चलते हुए भूल भी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने को आज तक एक ही कंपनी की है और दूसरी कंपनी GMBD चला रहे हैं और नंबर वन तरीके से चला रहे हैं, लेकिन ये अवसर मिला कहाँ। आने वाले समय में दद्दा जी को भी सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जी की तरह भारत रत्न मिल सकता है, क्योंकि GMBD बिजनेस भारत से बीमारी बेरोजगारी दोनों ख़त्म करेगा। तो लोग बोलेंगे इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। किस्मत अच्छी थी या नहीं वो एक बात की बात है, किस्मत अच्छी थी तभी अवसर मिला। हम किस्मत से डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन मत भी अच्छा था कि राह चलते हुए एक जानकारी को अवसर में तब्दील कर दिया। और आज 20 सालों से उस अवसर के लिए अपनी ज़िंदगी लगा चुके हैं। सुबह हो या शाम केवल एक काम, केवल एक नाम,
नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भारत को सबसे आगे ले जाना और GMBD बिजनेस को वैसी कंपनी बनाना। अब आप देखिए महंगाई का आंकड़ा, 1940 में जो व्यक्ति 10 रुपया कमाता था वो अमीर कहलाता था, 1960 में जो 100 रुपया कमाता था वो अमीर था, 1980 में जो 1000 कमाता था वो अमीर था, सन 2000 में जो 10,000 कमाता था वो भी साधारण था, आज 2020 में जो 1,00,000 कमा रहा है वो भी साधारण है। ये आपके सामने है, हर 20 साल में एक जीरो बढ़ी है, जीरो कम नहीं हो सकती। 100 रुपये पेट्रोल में जीरो कम हो गए, 10 रुपया लीटर पेट्रोल नहीं होगा, लेकिन आपकी इनकम 100 रुपया है तो उसमें एक जीरो बढ़ा के 1,000 रुपया हो सकता है। आपकी आमदनी 500 रुपया है तो उसमें एक जीरो बढ़ के 5,000 हो सकता है, 2 जीरो बढ़ के 50,000 हो सकता है। आपका बचपन वापस नहीं आएगा, पचपन आएगा। अब बचपन नहीं आएगा, अब पचपन आएगा। अब पचपन में आप जैसे दिखना चाहते हो वैसे खाना पीना पड़ेगा, वैसा योग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि बचपन लौट आए, पचपन आएगा। तो महंगाई कम नहीं होगी, आमदनी बढ़ानी है। अब 2040 में छठी जीरो आ जाएगी, 10,00,000 रुपया महीना जो कमाएगा वो भी साधारण होगा। 2060 में 7 जीरो आ जाएगी, जो 1,00,00,000 रुपया महीना कमाएगा वो भी साधारण होगा। 2080 में 8 जीरो आ जाएगी। अब आप बोलेंगे 2080 तक हम रहेंगे नहीं, आपकी पीढ़ियां तो रहेंगी। अगर भगत सिंह जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, रानी लक्ष्मीबाई जी ने, मंगल पांडे जी ने यही सब सोच लिया होता तो फिर तो आज हम आज़ाद ही नहीं होते। वो भी सोच लेते हम नहीं रहेंगे 2024 में। हम आप तो हैं, उनकी पीढ़ियां तो हैं। आप सोचिए जब 2080 चल रहा होगा आपके बच्चे की उम्र क्या होगी, 35-40 साल होगी या 50-60 साल होगी, आप जोड़ लीजिए। आप सोचिए उस समय 10,00,00,000 महीना कमाने वाला भी साधारण होगा। अब अगर 2024 में आपको GMBD बिजनेस प्लान मिल रहा है तो ये अवसर का दूसरा वर्ड है, वक्त रहते मिल रहा है। चाहे जिसके माध्यम से मिल रहा है, चाहे जिस तरीके से मिल रहा है, डॉक्टर आजाद सर को GMBD बिजनेस मेडिकल स्टोर पर मिला, आज 5,00,00,000 रुपया कमा चुके हैं। कितना बड़ा अवसर खालसा सर के माध्यम से राज चलते मिला। सुरेश सर को फेसबुक पर मिला। दोस्तों, भगवान से अवसर मांगना बंद कीजिए, अवसर को पहचानने वाली आंखें मांगना शुरू कीजिए, अवसर पहचानने की क्षमता मांगना शुरू कीजिए। ऐसे आरती मैम को ले लीजिए, हेतल मैम को ले लीजिए, कीर्ति जी को ले लीजिए, सबको अवसर कहीं ना कहीं तरीके से मिला और इन लोगों ने अवसर को पहचान लिया। कहीं आपके पास भी तो GMBD बिजनेस रूपी एक जीवन में सेलिब्रेटी बनने का अवसर आपके पास गया और आप उसको पत्थर तो नहीं समझ रहे। GMBD बिजनेस से आप सक्सेस शख्सियत बन सकते हैं, 1,00,00,000 रुपया महीना इस बिजनेस से आप कमा सकते हैं और ये पैसा और ये व्यापार आपके बच्चों का भी रोजगार बनेगा। बहुत अच्छी गाड़ी बना सकते हैं, बहुत अच्छा घर बना सकते हैं, गाड़ियों की लाइन लग सकती है, घर की लाइन लग सकती है, पूरी दुनिया घूम सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये सारी अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले लर्निंग करनी पड़ेगी। एक नाई भी लर्निंग करता है बाल काटने की, फिर अर्निंग करता है। एक कारपेंटर भी लर्निंग करता है। एक तो लर्निंग हर जगह है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर ईश्वर ने मानव जन्म दिया है तो ये विश्वास रखिए, इस मानव जन्म को नंबर 1 बनाने का, सर्वोत्तम बनाने का, लग्जरी लाइफ जीने का अवसर भी देगा। बस आपको उस अवसर को पहचानना है। मुझे भी ये अवसर ऐसे एक दिन मिला था, बहुत संयोग से राह चलते हुए मैंने इस अवसर को पहचाना, आज मैं आपके सामने हूँ। जिन्होंने इस अवसर को नहीं पहचाना वो अता पता लापता है। तो दोस्तों, अवसर को पहचानिए, अवसर आपके पास है,
बस उसे आपको पहचानना है और पहचानते ही आप खास हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग अवसर मांग रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर भेज दीजिएगा, अपने हर जानने वाले को भेजिएगा, उनकी ज़िंदगी बदलेगी, आपको दुआ भी मिलेगा, दाम भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, मुकाम भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।